वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उठने के साथ ही मेरा पहला काम ये होता है, मैं अपना वेट चेक करती हूँ। एंड आप यहाँ पे देखें, मेरा वेट जो है वो 60 हो गया था। मैंने 66 से अपनी जर्नी शुरू की थी एंड फाइनली मैं अभी अपने टारगेटेड वेट पे जाती जा रही हूँ। वेट लॉस करके अपना टारगेटेड वेट अचीव करना इज अ सेल्फ लव मेरी नज़र। लाइक ऑब्वियसली जो बंदा अपने आप से प्यार करेगा वो ही चाहेगा कि मेरा वेट लॉस हो, मैं अच्छा दिखूँ। तो सेल्फ केयर या ग्लो अप सिर्फ फेस पे डिपेंड नहीं करता, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं या फिर स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप खुद सोचिए, आपके फेस पे डायरेक्टली असर आता है। अपने आप में एक अच्छा सा ग्लो लाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना हो। जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे तब आप देखिएगा कि आपका फेस कितना अच्छा दिखता है। वो तो आपने सुना होगा कि हैप्पीएस्ट गर्ल्स आर द प्रीटीएस्ट। तो अगर आपने ग्लो अप करना है, प्रीटीएस्ट देखना है, तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना होगा। आई नो इट वेरी वेल कि हर किसी की जिंदगी में मसले होते हैं जो कि सॉल्व करने वाले भी नहीं होते, लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो उसमें बुराई क्या है? अब आप कहेंगे कि हम कैसे रिलैक्स करें, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। जब भी सुबह उठते हैं ना तो 10-15 मिनट अपने आप को दिया करें और सारा दिन सॉर्ट आउट किया करें कि आपको करना क्या। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सारा दिन अपना सोचिए और नेगेटिव थॉट्स लेके आए। नेगेटिव थॉट्स लाएंगे तो नेगेटिव ही होगा। अच्छा, मुझे पता है इंसान है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। बातों बातों में देखें, मैंने आपको बताया ही नहीं कि क्या सीन हुआ सुबह सुबह। सुबह गैस ही नहीं थी, लाइक गैस थी लेकिन बाद में फिर से चली गई, तो फिर मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे आ गई और शुक्र है मेरा ऑमलेट बंद हो गया। चलिए तो मज़े से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं बाहर अपनी सेल्फ सर्विसेज करवाने के लिए। आज हमारा स्पा डे है जिसमें हम फेशियल्स करवाएंगे, मैनी पैडी करवाएंगे और आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। तो चलें, लेट्स गो। यहाँ पे मैं हनी को गाड़ी रिवर्स करवा रही हूँ, देखते हैं कैसे करती है। मुझे नहीं लगता मुझे इसको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, खुद ही कर रही है रिवर्स अच्छी तरह से। माशाल्लाह से हनी की गाड़ी सीखने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा ईज़ हो गया है। मैं जब भी जाती हूँ इसके साथ, अगर मेरा मूड नहीं होता तो मैं इसको कहती हूँ कि आज गाड़ी तुम ड्राइव करोगी, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा गाइस, तो सेल्फ केयर में एक ये भी चीज़ आती है कि आप 1 मंथ में अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवाया करें, जिसमें आप अपनी सर्विसेज लें, अपनी मैनी पैडी लें, फेशियल्स लें। अगर आप नहीं जा सकते किसी भी रीज़न की वजह से तो आप ये चीज़ें अपने घर पे भी कर सकते हैं, लाइक अपने आप को भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। खुद तो पता है लाखों की तादाद में यूट्यूब में DIYs पड़े हैं अपने आप को कैसे पार्लर वाली सर्विसेज घर पर दे सकते हैं, तो वो सर्च करके वीडियोज़ देख के अपने आप को मेनटेन करें। तो आज हम हाइड्रा फेशियल करवाने आए थे आरफा बलोच से, लेकिन बहुत ज़्यादा रश थी तो हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिला और शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम वहाँ पे मज़ीद वेट नहीं कर सकते थे। तो हम आ गए थे दूसरे पार्लर जहाँ पे हम जो है अपनी सर्विसेज लेंगे। यहाँ पे हनी बुकिंग करवा रही है तो बस वो करवा ले तो हम चलेंगे ऊपर। अच्छा तो हम ऊपर आ गए, हनी अपने फेशियल रूम में चली गई, मैं अपने फेशियल रूम में आ गई और फिर यहाँ पे नमाज़ का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो है फेशियल करवाना स्टार्ट कर देती हूँ। लुक इट हियर गाइस, यहाँ पे मुझे ब्लीच वगैरह लग चुकी है और मैं बहुत डर रही थी कि मुझे इरीटेशन ना हो अपनी स्किन पर, क्योंकि मैं ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं करती और पॉलर भी इतना नहीं आती, लेकिन कभी कभी आ गई हूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड लकीली ब्लीच का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इरीटेट नहीं हुई मेरी स्किन। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना फेशियल स्टार्ट करवाने के लिए और ये स्टीमर पड़ा हुआ था जो कि मेरे पोर्स को ओपन करके सारे मेरे पोर्स के अंदर जो मिट्टी है ना वो निकाल देगा। और यहाँ पे इन्होंने मुझे नोज़ मास्क लगाया है ताकि मेरे ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाए, और सारे फेस पे मुझे एक मास्क लगा दिया था जिसकी वजह से जो मेरे पोर्स ओपन हुए थे ना वो बंद हो जाएंगे और मज़ीद डर्ट इसमें अंदर नहीं जाएगी। चलें तो अभी नीचे चलते हैं और अपनी मैनी पैडी की सर्विसेज लेते हैं। मैं जैसे ही नीचे गई ना तो ऑलरेडी हनी वहाँ पे अपनी मैनी पैडी करवा रही थी, तो बस मेरा भी स्टार्ट हो चुका है। ट्रस्ट मी, ये सारी सर्विसेज करवाने के बाद बंदा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, एक मुतमैन हो जाता है कि मैं अपने ऊपर कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट आप जिस चीज़ पे करते हैं वो चीज़ वैल्यूबल हो जाती है। तो अगर आप सोचें कि आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने आप के लिए कितने वैल्यूबल हो जाएंगे। दूसरों की बात तो बाद में आती है, पहले आपने अपने आप से प्यार करना है, फिर आप लोग जो है आपसे प्यार करेंगे। कि आप ही अपने आप को बेहाल छोड़ देंगे तो फिर दूसरों का क्या ही काम है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि
आप अपने आप के ऊपर खर्चा करें, बाहर जाएं पार्लर्स वगैरह पे, आप घर पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा DIYs हैं। देखिए, जिनको अपना ख्याल रखना होता है ना, वो किसी भी तरीके से किसी ना किसी जुगाड़ से अपना ख्याल रख देते हैं, और जिनको नहीं रखना होता ना, उनके पास सब कुछ भी होता है लेकिन फिर भी वो स्टेप आउट नहीं करते। वैसे ग्लो अप करना चाहिए अपने फेस का, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने हाथों पैरों को नहीं भूलना चाहिए। आपकी बॉडी भी है जिसको केयर की नीड है, जिसको मेंटेनेंस की नीड है। तो बस मैं सोचती हूँ कि अगर आप अपने फेस को कुछ करवा रहे हैं तो साथ ही साथ अपने हाथों पैरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बस अगर आप सच में अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, थक तो बहुत गए थे लेकिन शॉपिंग करना भी बहुत ज़रूरी थी। असल में मुझे अपने भाई के लिए थोड़े बहुत कपड़े लेने थे, तो बस वही हम सिलेक्ट कर रहे थे, और हमें कुछ समझ आ रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फाइनली ड्रेसेस जो है वो समझ में आ गए, और उसके बाद जो है हमारे ड्रेसेस फाइनल हो गए। नीचे आए तो लड़कियों के भी काफ़ी अच्छे कपड़े पड़े हुए थे अनस्टिच में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वाले सिर्फ शर्ट पीसेस थे, जो कि इनमें से मुझे ये वाला शर्ट पीस ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसको ज़्यादा फोकस करते हैं। और एक दूसरा भी था जो कि मुझे अच्छा लगा। आजकल वैसे भी ना अलकरम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है क्वालिटी में भी और डिज़ाइन। और ये ब्लैक वाला देखें, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भी हमारा बिल हो चुका है। उसके बाद हम आए हैं आउटफिटर्स पे। आज के दिन का मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको मेरा स्पा डे थोड़ी सी शॉपिंग कैसी लगी। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा दिन तो आज माशाल्लाह से बहुत प्रोडक्टिव गुजरा, मैंने अपने आप को टाइम दिया है, बस ऐसा समझे मेंटली और फिजिकली माशाल्लाह से रिलैक्स हो गया। फोटो जल्दी करो, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। फोटो जल्दी चलो, एसी चलानी, बहुत गर्मी हो रही है। सारा दिन आज मैंने वॉक नहीं की, तो बस घर आने के साथ ही मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। गाइस, अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।